हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशिया कप का आगाज 15 सितंबर से होगा। पहला मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। ये इंडिया टाइमिंग से 4:30 बजे शुरू होगा और इसका लाइव कवरेज सोनी HD पे दिखाया जाएगा। एशिया कप का इंतजार सबको बेसब्री से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टेस्ट के लिए इंग्लैंड दौरे पर गई इंडिया की टीम 4-1 से इंग्लैंड के हाथों ध्वस्त हो गई है। भारत की संभवतः टीम की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा से बहुत से खिलाड़ी के लिए खुशखबरी का मूल्य बना है। कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई और वही उम्मीदवार खिलाड़ी को नजरअंदाज कर दिया गया है। एशिया कप में रोहित शर्मा को कप्तान नियुक्त किया गया है और ये फैसला BCCI के तरफ से एक अहम फैसला है। विराट कोहली काफी दिनों से लगातार मैच खेल रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें पीठ में दर्द होने के कारण आराम दिया गया है। इस एशिया कप में 3 दिग्गज खिलाड़ी अंबाती रायुडू, मनीष पांडे और केदार जाधव की हुई है वापसी। केदार यादव चोटिल होने के कारण टीम से बाहर थे, पर अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए और टीम में वापसी कर ली है। मनीष पांडे घरेलू मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी वापसी हुई और अंबाती रायुडू ने यो मैच पास कर अपनी जगह टीम में बना ली है। युवराज सिंह काफी चर्चे में थे कि इस एशिया कप में इनकी वापसी होगी ही होगी, पर BCCI ने इनका चयन प्रक्रिया में नहीं किया और फिर से नजरअंदाज कर दिया। सभी को लगा कि शायद ऋषभ पंत भी अपना डेब्यू करेंगे, पर इन्हें भी मौका नहीं मिला। भारत की 16 सदस्य संभवतः टीम इस प्रकार है: केदार जाधव, मनीष पांडे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर, शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, अंबाती रायुडू, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक। अब बस देखना है कि क्या भारत की ये स्क्वाड एशिया कप जितवा सकती है भारत को या नहीं। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।